जनवरी में और अब के ओपिनियन पोल में कितना डिफरेंस है ये बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि बीजेपी प्लस को यानी बीजेपी गठबंधन को 43%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को करीब करीब 36% वोट मिल रहा है, बीएसपी को 12% वोट मिल रहा है और इसके अलावा कांग्रेस को 5% वोट मिल रहा है, अन्य के हिस्से में 4% वोट जा रहा हुआ नजर आ रहा है। ये बता रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन वोट शेयर के मामले में भी वो सबसे बड़ी पार्टी है। स्विंग कितना हुआ है यहां पर आप देखिए कि इन दोनों पोल के बीच में यानी पहले पोल और फाइनल पोल यानी आज में अंतर आया, बीजेपी का वोट कम हुआ है और -7.8% ये वोट गिरा है, समाजवादी पार्टी का करीब 1.4% वोट गिरा है, बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और जो बीजेपी का गिरा है वो बीएसपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है करीब 1.4% और अन्य के खाते में भी वोट प्रतिशत ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग की अगर बात की जाए कि सीट शेयरिंग की स्थिति क्या है, कौन सा दल कितनी सीट हासिल कर सकता है, तो बीजेपी की बात की जाए तो इन 25 में से 15 से 17 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात की जाए तो 8 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी कांग्रेस या अन्य किसी के खाते में कुछ भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए पहले पोल और आज के पोल में यानी कि फाइनल पोल में डिफरेंस कितना है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है इस एक महीने में, करीब करीब स्थिति थोड़ी सी बदली है, बीजेपी को 1 से 4 सीटों का नुकसान, समाजवादी पार्टी को 3 से 5 सीटों का फायदा है, बीएसपी कांग्रेस और अन्य के खाते में कुछ नहीं जाता हुआ नजर आ रहा, ना अभी ना पहले गया था। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन दिनों में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उसका वोट प्रतिशत भी गिरा है करीब करीब 7.5% और सीट भी कम हो सकती है ऐसी संभावना है। राम बिल्कुल, तो ये ओवरऑल पिक्चर है जिसमें थोड़ा सा नुकसान